यूट्यूब में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाकर पाए प्रमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। आतंक का दूसरा नाम बाबू भाई, 2 साल 20 रॉबरी, फिर भी कोई नहीं जानता हम कौन है और करते कहाँ है, समझ में। बिहार की मातृभूमि में जन्म लिए सीने अभिनेता हास्य कलाकार संजय मिश्रा न सिर्फ मुंबई में अपनी एक अलग पहचान बनाया, बल्कि अपनी मेहनत व अपने अभिनय से आज कई राष्ट्रीय पुरस्कार अपनी झोली में डाल रखा है। आजकल फीचर फिल्म की शूटिंग करने वे डाल्टनगंज पहुंचे हैं। सिटी न्यूज से बातचीत के क्रम में अभिनेता संजय मिश्रा ने अपने बिहारी अंदाज में झारखंड की फिल्म नीति की जमकर तारीफ करते हुए पलामू वासियों के प्रति भी अपना आभार प्रकट किया। आतंक का दूसरा नाम बाबू भाई के नाम से लगातार चर्चित रहे हैं और आज पलामू की धरती पर पहुंचे हैं भारतीय सिनेमा के एक जाने पहचाने चेहरा और जाने माने कह सकते हैं क्रिटिकल आर्टिस्ट भी कह सकते हैं, एक्टर भी कह सकते हैं, बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित है संजय मिश्रा। रहने वाले तो बिहार के हैं लेकिन अब बॉम्बे में बिहार की धमक दिए हैं और ये लगातार अभी पलामू में शूटिंग कर रहे हैं फिल्म में और हमारे साथ हैं। हम सबसे पहले जानना चाहेंगे, सबसे पहले तो पलामू की धरती पर आपका स्वागत है संजय जी। आप ऐसी धरती पर आए हैं जहाँ से बहुत पहले हम लोग को याद था कि कभी समय में दिलीप कुमार आया करते थे, वो सब हमने देखा था, हम लोग को बहुत छोटा थे तो मालूम हुआ था, उसके बाद लगातार फिल्म की शूटिंग हो रही है, ऐसे यहाँ मतलब यहाँ का नाम सुना आपने फिल्म करने का तो कैसा लगा? मैं बचपन से, चूँकि हम लोग बिहार के हैं तो रांची में बड़ा आना जाना हमारे युवा वगैरह, मेरे दादा पोस्टेड थे यहाँ, तो पिताजी की डायरी में हमेशा पढ़ता था डाल्टनगंज, पूरा लोहरदगा हो गया, इधर हजारीबाग पटना सब हो गया था, डाल्टनगंज जो है एकदम बचा हुआ, तो बड़ा तसल्ली मिला कि आप अपने पुराने रूट वाली जगह जिसको कहते हैं जहाँ बाप दादा सब लोग अपना, वो आज बिहार झारखंड हुआ है लेकिन बड़ा एक रिलेशन था, तो बहुत ही सुकून लगता है घर में आए। अच्छा, जैसे लगातार लोगों को पलामू जब नाम आता है या डाटेंगे तो लगता है कैसा जगह होगा, यहाँ के लोगों से किस तरह का प्रेम मिल रहा है आपको? देखिए, हमने यहाँ घर में हर दिन किसी के घर का खाना खाया, आज भी हम जहाँ शूटिंग कर रहे हैं वहाँ तो 3 घर से खाना आया है, अभी नेनुआ का दिन चल रहा है जी, तीनों घर से नेनुए का तरकारी आया, यार देख रहे हैं बड़ा मीठा तरकारी होता है नेनुआ का, तो वो नेनुआ भेजे जा रहे हैं वहाँ से, भात मोटका भात नेनुआ दाल, अब कल बोले हैं चोखा, कभी कभी मछली सब, तो क्या बताएं, इससे बड़ा प्यार क्या कि आप मुझे भोजन करा रहे हैं सर। बिहार और झारखंड कभी एक समय कह सकते हैं दोनों भाई ही हैं, आज झारखंड अलग हुआ, झारखंड सरकार की भी फिल्म नीति कितना प्रभाव डाल रही है बॉम्बे में? ऐसा जब होता है कि बम्बई में हम जैसे कलाकारों के पास लोग आते हैं और कहते हैं झारखंड में एक फिल्म बनानी है, और ये कई बार होता है, जब बम्बई में ऐसी बात हो रही है इसका मतलब नीति सफल है और ये चाहिए भी झारखंड को कि पॉपुलर करे इसको, क्योंकि देखिए सिनेमा जो चीज़ होती है, बम्बई से लोग आते हैं डायरेक्ट फ्लाइट है और यहाँ रहने वहने की व्यवस्था रांची में उसके आसपास अच्छी है, हम जानते हुए वो भी जगह अच्छी है, तो एक जो वो नीति होती है ना मतलब सफल लग रही है और मालिक है सफल और रखे। झारखंड में ऐसे कई स्थल हैं पर्यटन की दृष्टि से, कई अच्छे अच्छे पहुँच हैं, कई अच्छे अच्छे पठार हैं, नेता भाग जैसे भी झारखंड में आते हैं, ऐसे में क्या लगता है कि यहाँ फिल्म की जो है आप जैसे आए तो आप यहाँ के बॉम्बे में जाकर क्या कहेंगे कि वहाँ के वहाँ का? देखिए, हम एक बात को यकीन, पर्यटन अलग जगह है और सिनेमा कहाँ शूट होता है, ये जगह जहाँ हम शूट कर रहे हैं वो पर्यटन की कोई जगह नहीं, लेकिन हमारे कहानी को ऐसा जगह चाहिए था, और जब हम जाके बोलेंगे तो उससे कुछ नहीं होगा कि भैया बढ़िया पाम मिठाई का दुकान है मिठाई खाना उसके, इससे नहीं होता, होता क्या है कि जब आप
कुछ फिल्म शूट करते हैं वो स्क्रीन पे आती है तो जो उससे संबंधित लोग रहते हैं वो देखते हैं कि हाँ यार ये तो बहुत बढ़िया शूट हुआ है यार, ये कहाँ शूट हुआ है? अरे रांची के बगल में। अच्छा, तो फिर वो अपना कॉन्टेक्ट करते हैं, भाई वहाँ जा रहे हैं, क्या सुविधा है क्या असुविधा है ये जरा बता दें, तो ऐसे करके बात बढ़ती चली जाती है। मैं हमेशा कहता हूँ कि राजस्थान हमारे पूरे देश में एक जगह है जो आमंत्रित करता है पधारो मारे देश मेहमानों को। बिहार झारखंड कभी करवे नहीं किए, आना है तो आओ, बुलाएंगे नहीं। सब यूपी भी कहाँ बोलता है आइए आइए पधारो हमारे देश, जितना आप बढ़िया स्वागत करेंगे लोगों का, उनसे आचरण बढ़िया रखेंगे उसके ही लोग आएंगे। और झारखंड अभी बढ़िया आचरण में आ रहा है, कोई तकलीफ नहीं हो रही लोगों को यहाँ काम करने में, यहाँ आने वाले समय में लगता है कि हाँ बिल्कुल। सर आप एक आपकी बहुत चर्चा हम लोगों ने रखा है कि मतलब अभी हमने एक डायलॉग साहब को बोला, वो डायलॉग हम चाहेंगे कि दर्शकों को एक बार जरूर बोलें। आतंक का दूसरा नाम बाबू भाई, अब तुम्हारे साथ रह गए तो हमारा आतंक खत्म हो गया है। चलिए थैंक यू सर, शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। और हम चाहते हैं कि आपका ये फिल्म नहीं और आने वाले समय में भी आप पलामू की धरती जी, जी जी हम भी चाहेंगे, बेसब्री से आपका इंतजार करें। हम भी चाहेंगे कि पलामू की धरती पर आके शूटिंग करें। थैंक यू, शुक्रिया।